इतिहास याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को वर्नियर कैलिपर्स को जानने से पहले हम लोगों को नॉर्मल मीटर स्केल के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। जैसे मीटर स्केल है ना, तो मीटर स्केल से मिनिमम वैल्यू कितना निकाल सकते हैं हम लोग, 0.1 सेंटीमीटर, है ना, 0.1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं एक मीटर स्केल, है ना। लेकिन इससे एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना, मीटर स्केल से इससे और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते, यही तो उसका अल्पतमांक है, है ना। अल्पतमांक मतलब किसी वस्तु का हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से अब मिनिमम परफेक्ट वैल्यू जो निकालते हैं वही उसका अल्पतमांक होता है, ठीक है, ओके। तो इसको दूर करने के लिए हमारे पास और एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर्स आया, है ना। वर्नियर कैलिपर्स से हम लोग तीन प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा भी पर्पस है सिर्फ एक ठोस वस्तु, है ना, जैसे ठोस गोलाकार वस्तु है, इसका व्यास निकालना। इसको व्यास निकालने के लिए इसके अंदर डालो, है ना, कैसे निकालना है मैं बताऊंगा। ये फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है ना, समझ गए, ओके। दूसरा प्रैक्टिकल ये होगा कि देखो किसी की गहराई निकाल सकते, समझ रहे हो, कोई हमारे पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है ना, गिलास है जैसे मान लो, है ना, उस गिलास का जैसे गहराई आपको निकालना है, तो इससे नीचे लेके जाओ गहराई निकल जाएगी। दूसरा प्रैक्टिकल हुआ, ओके। तीसरा प्रैक्टिकल ये हो सकता है जैसे किसी का वॉल्यूम कितना आयतन घेर रहा है, आंतरिक व्यास, है ना, जैसे इन दोनों जबड़ों का निकालना रहेगा। यहां पर कोई ग्लास है उसको ले लो अंदर में, है ना, उससे हम लोग निकाल सकते, समझ रहे हो ना, ओके। तो यहां पर हम लोगों का प्राइमरी पर्पस है किसी ठोस वस्तु का व्यास ज्ञात करना, ये ठोस वस्तु है कि, समझ रहे हो, ओके। तो इसको जानने से पहले हम लोगों को वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है उससे रूबरू होना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स जो ये है, सब लोगों को दिख रहा है ना, ओके। तो वर्नियर स्केल का ये जो स्केल है इसको मुख्य स्केल बोलते हैं, मेन स्केल, ठीक है। तो वर्नियर स्केल को मैं जैसे प्लॉट करता हूं, ठीक है, ये हमारा जो है इसमें खानों की संख्या है, ये है हमारा मेन स्केल, ठीक है। और वर्नियर स्केल में जो खिसक रहा है इधर, है ना, ये है हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है, ओके। अब हमको कैसे वैल्यू निकालना है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको देखना पड़ता है कि उसमें त्रुटि तो नहीं है, है ना। तो त्रुटि को है या नहीं उसको जानने से पहले आप लोग ये जानना पड़ेगा कि ये मेन स्केल है, मान लो की बात ये वर्नियर स्केल है, तो मेन स्केल का भी शून्य है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मेन स्केल भी शून्य है कि नहीं, शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेन स्केल मतलब ये नॉर्मल मेन स्केल के समान ही है। इसमें जैसे 15 सेंटीमीटर रहता है ना, ये तो बड़ा वाला है, छोटा जो मेन स्केल आता है उसमें 15 सेंटीमीटर रहता है ना, इसमें भी 15 सेंटीमीटर है, देखो, ठीक है ना। तो इसमें भी मिनिमम वैल्यू कितना नाप सकते हैं हम लोग, 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन उससे और ज्यादा वैल्यू निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर रहे हैं। तो ये जो है ये दूसरा स्केल जो है जो खिसक रहा है वो क्या है, वर्नियर स्केल। तो इस जब दोनों जबड़ों को एक साथ मिलाएंगे तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का जीरो देखो एक साथ, मतलब इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर त्रुटि होता तो मैं तुमको बता देता हूं, अगर देखो अगर दो प्रकार के त्रुटि होगा, धनात्मक त्रुटि और ऋणात्मक त्रुटि, ठीक है। तो धनात्मक त्रुटि रहेगा और ऋणात्मक त्रुटि रहेगा, उसका भी सेम प्रोसेस है निकालने का, ठीक है। अगर देखो धनात्मक त्रुटि है मतलब ज्यादा वैल्यू आ रहा है ना, तो आपका जो मेन वैल्यू आपको रिजल्टेंट वैल्यू निकलेगा, जैसे व्यास मान लो की बात 15 सेंटीमीटर व्यास निकला, एक बात बता रहा हूं, अगर आपका शून्यांक त्रुटि 2 सेंटीमीटर है, एक बात बता रहा हूं, है ना। तो अगर धनात्मक शून्यांक त्रुटि मतलब ये ज्यादा वैल्यू आ रहा है, तो अगर हमको इसको करेक्ट करना है तो ये हमारा माइनस करेगा, धनात्मक शून्यांक त्रुटि रहेगा तो फाइनल वैल्यू से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस, और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि रहेगा तो फाइनल वैल्यू से प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आवश्यक उपकरण। तो आवश्यक उपकरण हमारा वर्नियर कैलिपर्स, अगर ठोस गोले का निकालना रहेगा तो हमारा ठोस गोला रहेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अल्पतमांक। तो अल्पतमांक क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम करेक्ट वैल्यू आप जो निकाल सकते हो शुद्धता पूर्वक, वो उसका अल्पतमांक होता है।
तो वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, वो क्या है, देखो मुख्य स्केल के एक भाग का मान है ना, मुख्य स्केल के एक भाग का मान बटा वर्नियर में कुल भागों की संख्या। देखो वर्नियर स्केल के प्योर वर्नियर स्केल जो मेन स्केल जो है उसका एक भाग का मान कितना है, 0.1। देखो वर्नियर में कुल भागों की संख्या 10 होता है ना, ये हो गया बच्चों 10, तो कितना आया 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज अ लिस्ट ऑन ऑफ वर्नियर स्केल। ओके अब समझ गए, अब हम लोगों को प्रैक्टिकली करना है कि उसका व्यास कैसे निकालना है। तो उसके लिए आप कोई भी एक ठोस गोला लीजिए, इसको अंदर डालिए। अब देखो इसमें तीन चार बार करना है, जैसे एक एक गोला है कि एक बार ऐसे करके रखना है, एक बार थोड़ा सा ऐसे करके रखना है, एक बार ऐसे करके रखना है, एक बार ऐसे करना है, चार बार, एक बार गोले में इधर साइड खोलो इधर साइड खोलो, तीन चार बार करके देखना है, जिसे अगर मान लो कहीं ऊपर नीचे होता है तो व्यास में एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा, है ना, ठीक है। ओके तो इसमें क्या करना है, जैसे एक गोला ले लिए, ठीक है, इन दोनों पेचों की सहायता से इसको टाइट कर देना है ताकि वो ना गिरे, ठीक है, ये वर्नियर स्केल को टाइट करने के लिए, ठीक है, ये टाइट हो गया। अब गोला नहीं गिर रहा है तो गोला को थोड़ा सा, ये देखो नहीं गिर रहा है ना, ठीक है, मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू आएगा, ठीक। तो अब देखो क्या करना है हमको, ये जो जीरो है किसका, वर्नियर स्केल का जीरो, मुख्य स्केल के कौन से मान में आ रहा है उसको देखना है, ठीक है। तो किसका रीडिंग होगा बच्चों, मुख्य स्केल, ठीक है, और वर्नियर स्केल का रीडिंग कौन सा होगा, कौन सा लाइन मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन एकदम सीध होगा, है ना। जैसे हम लोग इसमें देखेंगे, तो लगभग ये पहला वाला लाइन है ना, मतलब एक एकदम सीध में है ना, ठीक है, पहला वाला लाइन मतलब एक, ठीक है। तो मेन जो वर्नियर स्केल का मान क्या होगा, एक, ठीक है। मैं इसको एक ग्राफ के थ्रू बता देता हूं जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, जैसे ये हमारा तमाम हो जाएगा मुख्य स्केल का पाठ्यांक, मुख्य स्केल के पाठ्यांक को ऐसे डिनोट कर दो, है ना, फिर वर्नियर स्केल का मान, वर्नियर स्केल का पाठ्यांक, वर्नियर स्केल के पाठ्यांक को दो भाग से डिवाइड कर देता हूं, एक वर्नियर में भागों की संख्या कितना पर आ रहा है, ठीक है ना, और अगर वो बी है तो बी को किसे मल्टीप्लाई करना रहता है हम लोगों को, उसके लिस्ट काउंट से, है ना, तो जो वैल्यू आएगा वो सी होगा, समझ रहे हैं ना, ओके। और हमको फाइनल वैल्यू क्या निकालना है, ए प्लस सी, ये क्या है, कुल पाठ्यांक, ठीक है ना। चलो मैं एक बार करके दिखाता हूं कि ज्यादा समझ आएगा। जैसे देखो मुख्य स्केल का पाठ्यांक मतलब बच्चों देखो ये शून्य है ना, ये कहां पर आ रहा है, 2.5 पर, है ना, जैसे प्रीवियस क्लास में भी एक बार और बताया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा 2.5 क्या में है, सेंटीमीटर। पहले आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटीमीटर में ले रहे हो या मीटर में, है ना, आपको यूनिट को भी ध्यान देना है। आप देखो वर्नियर में भागों की संख्या में जैसे बताया, जिस लाइन को टच कर रहा है उस लाइन को एक्यूरेट मान लो, तो ये हमारा पहला लाइन को टच कर रहा है, तो एक हो गया, तो बी का वैल्यू एक हो गया, एक को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.1, है ना, जो भी आएगा कितना आएगा, 0.01 सेंटीमीटर आएगा, और इसको इससे जोड़ना है ना, तो कितना आ जाएगा, 2.5 प्लस 0.01 सेंटीमीटर, इट्स मींस कितना हो जाएगा, टोटल 2.51 सेंटीमीटर। देखो दशमलव का एक डिजिट तक हम लोग एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते थे सामान्य स्केल में, लेकिन वर्नियर स्केल में देखो दशमलव के दो डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू निकाल ले रहे हैं,
समझ रहे हो ना? ओके, ऐसे ही दो तीन प्रोसेस आप लोगों को करना है, समझ रहे हो? तो एक जो वैल्यू आएगा ये क्या है, किसी भी गोले का व्यास है ना। ओके, जैसे आपका ऐसा बहुत सारे वैल्यू निकालोगे, मैं रीडिंग दे रहा हूं, मान लो 0.51 आया, फिर 0.50 आया, फिर 5.02 ऐसा आया, तो इन तीनों को ऐड करना है और इसका क्या निकालना है, औसत। तो ये जो औसत निकालोगे और जो वैल्यू आएगा, बाय द वे इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं कि 0.2 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे गोले का क्या हो जाएगा, व्यास। अगर मेरे इंस्ट्रूमेंट में शून्यांक त्रुटि, धनात्मक शून्यांक त्रुटि रहता और मैं इसको सॉल्व करता, तो क्या करते हम लोग, फाइनल वैल्यू में इसको घटाते है ना, और अगर ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि रहता तो जोड़ते। तो ये हमारा किसी भी एक ठोस गोले का क्या हो जाएगा बच्चों, व्यास हो जाएगा। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर्स के और तीन प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम, ठीक है, क्लियर। ओके, उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, अल्पतमांक के बारे में लिए है ना, उसके सिद्धांत के बारे में आप लोग, ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पस में बता रहा हूं। उसके बाद इसमें परिणाम क्या आया उसको लिखना है, फिर आवश्यक सावधानियां। आवश्यक सावधानियां में क्या क्या लिखोगे बच्चों, देखो आपको जब भी इसको पीच को लेना है तो उसको टाइट करना मत भूलना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी किसका मतलब वैल्यू डिफेक्ट आएगा, सही नहीं आ पाएगा एक्यूरेट, है ना। और इस चीज को ध्यान देना कि उसमें शून्यांक त्रुटि है तो नहीं, क्योंकि कई बार हम लोग ना ऐसा करते हैं कि शून्यांक त्रुटि रहने के बावजूद है ना, हम लोग उसको ऐसे ही रैंडमली सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।